ओके, तो वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज ये जल्दी जल्दी से नाउ वी आर लाइव, और आज हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिसर्च मेथोडोलॉजी की, और साथ में करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज। सो जैसा आपको पता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी लाइक आप लोगों का जितने भी आप एग्जाम लेने वाले हैं, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप करने वाले हैं फेस, उन सभी में रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर होता ही है। तो उसी रिसर्च मेथोडोलॉजी को आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं, तो जल्दी से आ जाइए जिससे कि हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सके। तो ज्वाइन फास्ट एवरीवन। ओके, और यस, इससे पहले भी हम काफी सारे लेक्चर्स ले चुके हैं रिलेटेड टू दी रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसमें हमने रिसर्च के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आपने वो कोई भी क्लास मिस की हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पेपर वन के लिए, तो उसको आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी। यस, वेरी गुड इवनिंग रोशनी। ओके गाइस, तो जल्दी से आ जाइए, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ये सारे एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एमसीक्यू सेशन विथ फ्यू टर्मोलॉजीज। ये वो टर्मोलॉजीज है जिनसे आप बखूबी वाकिफ हैं, बट थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश कर दिया जाए तो और अच्छे से तैयार हो जाएंगी। ओके चलिए, सो लेट स्टार्ट विथ टूडे सेशन। तो द फर्स्ट वन इज ऑन्टोलॉजी। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द टर्मिनोलॉजी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी क्या होता है? सो इट इज द स्टडी ऑफ बीइंग ऑफ देयर बीइंग, दैट मींस द व्हाट इज द रियलिटी। और इन सिंपल लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं कि जहां पर भी आपको दिखे लाइक रियलिटी, तो रियलिटी की जो ये रियलिटी, जहां पर आपको रियलिटी शो हो वहां समझ जाइएगा कि ऑन्टोलॉजी की बात की जा रही है। दैट मीन्स द स्टडी ऑफ रियलिटी, स्टडी ऑफ रियलिटी को क्या कहेंगे हम? ऑन्टोलॉजी। द सेकेंड वन इज एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज। ये क्या है? आपकी नॉलेज की स्टडी को कहा जाता है। ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, डायरेक्टली आप लोगों से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बी अवेयर ऑफ दिस। ओके, सो एपिस्टेमोलॉजी द स्टडी ऑफ नॉलेज। नाउ द थर्ड वन इज लॉजिक। लॉजिक का मतलब कि हर एक चीज का एक वैलिड रीजन होता है, तो उस वैलिड रीजन की स्टडी को कहा जाता है लॉजिक। ओके, वैलिड रीजन की स्टडी को कहा जाता है लॉजिक। वही इफ वी टॉक अबाउट द एथिक्स, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो हमें सही गलत की पहचान कराने वाली जो स्ट्रेटजी होती है, जो स्टडी होती है, दैट इज कॉल्ड द एथिक्स। दैट फिनोमोलॉजी, जिसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चन बने हुए हैं, सो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो फिनोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अवर एक्सपीरियंस, जो हम खुद जैसे इसे कहा जाता है घटना विज्ञान, हिंदी में से कहा जाता है घटना विज्ञान। तो ये जो घटना विज्ञान होती है, इसका क्या मतलब है कि जो चीज आप खुद फील करते हो, आपने खुद एक्सपीरियंस की हुई है, उसकी स्टडी को कहां पर यहां कहा जाता है फिनोमोलॉजी। नेक्स्ट इज रैशनलिज्म। रैशनलिज्म एक वो अप्रोच होती है जो लाइफ बेस्ड होती है। ये आपको रीजन और एविडेंस बताती है, लेकिन रीजन और एविडेंस जो बताती है ये आपको लाइफ बेस्ड बताती है ना, लाइफ बेस्ड जो करंट में चल रहा है उसके अनुसार ये आपको शो करेगी, दैट इज रैशनलिज्म। रैशनलिज्म का मतलब आपको पता ही होगा, तर्क संगत जिसे कहा जाता है। तो तर्क संगत का मतलब भी यही होता है एक तरह से, कि रैशनलिटी को यहाँ पर शो किया जाता है, वही यहाँ पर भी बताया जा रहा है। वेरी गुड इवनिंग नवनीत रंजना, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी से अटेंडेंस लगाते जाइए अपनी अपनी गाइस, जल्दी से सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। ओके, सो ये हो गया आपका रैशनलिज्म। वही एम्पिरिज्म की अगर स्टडी की बात की जाए, तो एम्पिरिज्म में यहाँ पर जो यूज होगा वर्ड, दैट इज दी साइंस, फिलोसफी ऑफ साइंस। यहाँ पर भी आपका एविडेंस के बारे में बात की जाती है कि क्या सही है क्या गलत है, बट ऑन द बेसिस ऑफ साइंस। ठीक है, रैशनलिज्म में लाइफ बेस्ड तर्क संकत होता है ये, और एम्पिरिज्म में आपके साइंस को लेकर चलता है, यानी कि रूल्स रेगुलेशंस जो बने हुए हैं उनके बेसिस पर चलेगा, जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उसके बेसिस पर यहाँ पर चीजों को देखा जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ टर्म्स तो ये हो गए, मैंने हमेशा से बोला भी है जो टर्म्स हैं लाइक रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है। तो हाइपोथेसिस क्या होता है? एक बेसिक अजम्पशंस होता है। क्या होता है ये?
एक आपका टेंटेटिव, एक तो टेंटेटिव स्टेटमेंट होगा ये, ओके आपका ये टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, साथ ही साथ ये क्या होता है, एक अजम्पशन होता है, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। दूसरा अगर हम देखें रिसर्च डिजाइन क्या होता है, तो अगर हम डिजाइन की बात करें तो रिसर्च डिजाइन अ काइंड ऑफ फ्रेमवर्क, ये क्या है आपका, एक फ्रेमवर्क होता है जो आप अपनी रिसर्च के लिए तैयार करते हैं, तो दिस इज द फ्रेमवर्क। अगर तीसरी बात अगर हम देखें लाइक ये हो गया आपका हाइपोथेसिस डिजाइन रिसर्च प्लान, रिसर्च का प्लान क्या होगा, प्लान का दैट मीन्स कि हम एक प्रॉपर वे में रिटर्न में हम यहाँ पर अपनी एक प्लानिंग तैयार कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड दी दैट इज कॉल्ड योर प्लान, रिसर्च प्लान। रिसर्च डिजाइन जो फ्रेमवर्क है और वो आपका प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिर अब बात ये आती है कि आपका ये आपका रिसर्च का डेटा कलेक्शन किसे कहते हैं, तो डेटा को कलेक्ट करना डेटा कलेक्शन कहलाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बेसिस पर आपका हो सकता है। फिर स्टेटिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो रिसर्च स्टेटिस्टिक्स क्या होता है, तो रिसर्च की अगर स्टेटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस कैलकुलेशन को बोला जाता है आपका स्टेटिस्टिक्स, जो कि आप मैनुअली भी कर सकते हैं या SPSS सॉफ्टवेयर या फिर मैटटेक्स या फिर मल्टीपल और भी ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से आप यहाँ पर अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दिस इज कम्स अंडर द रिसर्च स्टैटिस्टिक्स। फिर आता है आपका रिसर्च के और भी टर्म्स हैं लाइक रिसर्च एथिक्स किसे कहा जाता है, तो हमने देखा अभी सही गलत की पहचान कराना, दैट इज कॉल्ड द रिसर्च एथिक्स, है ना। तो इस तरह से अलग अलग टर्म्स आपको याद होने चाहिए, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। यस, वेरी गुड इवनिंग गुन्नू, वेरी गुड इवनिंग हिमानी। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ओके। चलिए नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट वन। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एमसीक्यू सेशन गाइड, ये टर्मोलॉजी जरूर याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। नाउ लेट स्टार्ट विद द एमसीक्यू सेशन। क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने मौजूद है, बिल्कुल SPSS सॉफ्टवेयर टूल, बिल्कुल ठीक रंजना। नाउ व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर शोइंग द ट्रेंड ऑफ चेंजेस ओवर द टाइम, समय के अनुसार अगर आप ट्रेंड को चेंज होते हुए ट्रेंड को बताना चाहते हैं तो उसके लिए किस तरह के चार्ट का आप उपयोग करेंगे, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट या डॉट ग्राफ, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर वन, रिप्लाई फास्ट गाइस और अपनी अपनी अटेंडेंस लगाते जाइए जल्दी जल्दी। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है कि किस तरह के चार्ट का आप यूज करना चाहते हैं। बिकॉज अब देखो पाई चार्ट आपका कैसा होता है, ये दिस इज कॉल्ड दी पाई चार्ट। कॉलम चार्ट की अगर बात की जाए तो इस तरह से जो बार चार्ट बने होते हैं ना, उन्हीं को ही कॉलम चार्ट आपका कहा जाता है। थर्ड अगर देखा जाए लाइन चार्ट, तो लाइन चार्ट आपका कैसा होता है, एक प्रॉपर लाइन, ये आपके डॉटेड होते हैं, डॉटेड के थ्रू आप एक प्रॉपर लाइन शो कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आपका डॉट ग्राफ, डॉट ग्राफ में सिर्फ आपके डॉट शो होते हैं। अभी क्या कह रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूज्ड टू ट्रेंड द चेंज, आप याद करने की कोशिश कीजिए, जब भी ट्रेंड आप पढ़ते हो रिसर्च में, मैथ्स में, कहीं पर भी, तो जब ट्रेंड को आप चेंज करना चाहते हो उस समय पर आप जो चार्ट यूज करते हो ना गाइस, ट्रेंड याद करने की कोशिश कीजिए, इट्स कम्स अंडर द सी, दैट इज कम्स अंडर द सी। लाइन चार्ट, ये ईयर है आपका ईयर 1990, 1991, 1992, 1993, ये आपका करंट चेंज पता चल रहा है कि कब किस समय आपका कहाँ कहाँ पर जो ग्राफ है वो गया है, है ना। तो व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल टू शोइंग द ट्रेंड और चेंजेस ओवर द टाइम, तो आपको याद होना चाहिए कि टाइम को जो टाइम का जो ट्रेंड होता है, हम जो टाइम सीरीज शो करते हैं वो हम लाइन चार्ट से शो करते हैं, इसलिए द राइट आंसर इज सी, ओके। चलिए ना मूव फॉर द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सेवन मेजर पार्ट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। जब हम रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते हैं काफी सारे पार्ट्स उसमें हम लेते हैं, एनेक्सचर्स, डैश 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 डैश, काफी सारे होते हैं, सेवन पार्ट्स मैं बताए गए, कहीं सेवन होते हैं कहीं उससे ज्यादा भी हो सकते हैं,
बट जिनकी ये बात कर रहे हैं उसमें से क्या नहीं है। तो रिजल्ट, एब्स्ट्रैक्ट, मैथड या फुटनोट्स, ऐसा कौन सा पार्ट है जो मेजर पार्ट में उपयोग नहीं होता है रिसर्च रिपोर्ट की, बताइए। रिसर्च रिपोर्ट के पार्ट में इंक्लूड नहीं है, मतलब जब आप अपने चैप्टर्स बनाते हो, जब आप अपने चैप्टर्स बनाते हो तो उन चैप्टर्स में, या फिर जब आप अपनी थीसिस बनाते हो तो उस थीसिस का जो चैप्टराइजेशन होता है उसमें मौजूद नहीं होता है, बट होता जरूर है, थीसिस के अंदर मौजूद है लेकिन रिसर्च रिपोर्ट के अंदर मौजूद है बट ये वहां पर शो नहीं है, ऐसा कौन सा होगा। ओके, द राइट आंसर इज डी गाइस। अभी याद करिए, एब्स्ट्रैक्ट से तो स्टार्टिंग ही हो रही है ना, जब हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं या फिर आप जिसको सुना, आप अपना लाइक एक समरी टाइप से अगर आप लिखते हो, है ना, रिसर्च रिपोर्ट की हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया, समरी हो गया, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर आप अपनी मेंशन करते हो, है ना। जब आप यहाँ पर चैप्टर लिखते हैं तो आपका एनेक्स्चर आता है, सम रिपोर्ट समरी आती है, और फिर जब आप लोग मैथड, मैथड को हम क्या कहते हैं, रिसर्च मैथोलॉजी, तो रिसर्च मैथोलॉजी इन्वॉल्व होती है। रिजल्ट एंड कंक्लूजन का एक अलग से कॉलम होता है जिसे आप रिजल्ट एंड कंक्लूजन के नाम से भी बताते हैं, लेकिन फुटनोट का कहीं पर भी कोई कॉलम आपके जो आपका जो एक तरह से आप जो फर्स्ट इंडेक्स बनाते हो उसमें मौजूद नहीं होता है। यस, याद करने की कोशिश कीजिए, जो फुटनोट का कॉलम होता है, फुटनोट का कॉलम कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं होता है, ऑल्दो फुटनोट आपके थीसिस में, रिसर्च रिपोर्ट में मौजूद होता है, पेजेस के अंदर मौजूद होता है, लेकिन वो कहीं पर भी आपको जो इंडेक्स आपका है, सेवन मेजर चैप्टर्स जो आप डिसाइड करते हो उसमें मेंशन नहीं होता है। याद आया, मैं वही कह रही हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइक इससे इजी तो कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं, बट हमने क्वेश्चन को समझा नहीं और आंसर कर दिया। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सेवन मेजर पार्ट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट की पार्ट का पार्ट में जो नहीं है, तो फुटनोट की हेडिंग कहीं भी दिखी है आपको? नहीं दिखी होगी ना, बस इसीलिए यही इसका आंसर है। बिल्कुल ठीक, तो बस ये छोटी छोटी सी चीजें आपको याद रखनी है, फिर आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ओके, भाई सेशन को लाइक कीजिए, अपनी अपनी अटेंडेंस लगाइए, अटेंडेंस मस्ट है गाइस, जल्दी से लगाइए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। आंसर गाइस, पैकेज राइट आंसर है, उसके बाद भी आंसर गलत आ रहे हैं। रंजना, आपने तो सही किया है बट बाकी लोगों का आंसर गलत आ रहा है इस क्वेश्चन में। पैकेज है, पैकेज, पैकेज वर्ड याद रखिए, स्टैटिस्टिकल सोशल साइंस तो याद है, साथ में पैकेज भी याद रखिए। यस, फाइनल स्टेज इन द रिसर्च प्रोसेस इज, रिसर्च प्रोसेस की फाइनल स्टेज क्या है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस या रिपोर्ट राइटिंग? वेरी गुड इवनिंग सानिया, ओके, कोई बात नहीं, चलिए अब आंसर देना शुरू कीजिए। ओके यस, सो द राइट आंसर इज फोर का आंसर यहाँ पर आना है, शुरू हुआ है, दैट इज द डी, बिल्कुल ठीक, रिपोर्ट राइटिंग इज द राइट वन। सो फाइनल स्टेज इन द रिसर्च प्रोसेस इज रिपोर्ट राइटिंग, वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक, और ये बिल्कुल गलत हो ही नहीं सकता किसी का। चलिए नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉम्प्रिहेंसिव फुल रिपोर्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस इज कॉल्ड, एक कॉम्प्रिहेंसिव फुल रिपोर्ट है किसी रिसर्च प्रोसेस की, उसे क्या कहा जाएगा, थीसिस या समरी रिपोर्ट, एब्स्ट्रैक्ट या आर्टिकल? जल्दी जल्दी से आंसर्स बताते जाइए। जल्दी फास्ट, ओके, सो द राइट आंसर इज
ए गाइस, आप इस क्वेश्चन को कैसे गलत कर सकते हो? जब आप अपनी पूरी रिसर्च की प्रोसेस आप तैयार करते हो, तो रिसर्च की प्रोसेस का जब आपका कंप्रेहेंसिव फुल रिपोर्ट आप तैयार करते हो, उसे आप क्या कहते हो? दैट इज थीसिस। उसे थीसिस कहा जाता है। यस, उसको थीसिस कहा जाता है। ये छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल मत करिए। यस, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। ओके, माइंड बूम। ओके, व्हाट्स योर नेम? एक्चुअली यहाँ नाम शो नहीं हो रहा, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। चलिए, सो गाइस, थिस इज द राइट वन। इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे गलत कर सकते हो? लाइक, सोचने वाली बात है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए और ध्यान देकर पढ़िए समरी रिपोर्ट, बताइए। चलिए, नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट वन। ओके ओके लोकेश, वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्रा। आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं? चलिए, क्या है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अभी ध्यान से बताइएगा। अगर हम बात करें एसपीएसएस की, सो एसपीएसएस में व्हाट इज दी डेटा व्यूअर? एसपीएसएस में डेटा व्यूअर को, डेटा जो व्यूअर है, एक ऑप्शन आता है, ये डेटा व्यूअर क्या है? व्हाट इज डेटा व्यूअर? जो डेटा व्यूअर है वो क्या है? सोचिए, समझिए, फिर बताइए। बट यहाँ पर कंप्रिहेंशन लगा तो समरी होगी। नहीं, रंजना, बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपसे पूछा जाता है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ ना, ये अभी आप लोगों के जो पीएचडी के एग्जाम्स आप लोग दोगे ना, कुछ एंट्रेंस एग्जाम, उस परस्पेक्टिव से है, उनके कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, उसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह के अगर आंसर्स आप लोग, लाइक इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वहां पर, तो वहां पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके, तो सिक्स का सी। चलिए, लेट अस सी व्हाट इज द राइट आंसर। तो द राइट आंसर इज बी गाइस। एक्चुअली जब आप एसपीएसएस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, हाँ, जब आप एसपीएसएस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, तो वहां पर एक स्प्रेडशीट ओपन होती है, जहां पर आप अपने डेटा को एंटर कर सकते हो, है ना? तो एक स्प्रेडशीट आपको ओपन होगी, ठीक है? ये स्प्रेडशीट जो होती है, इसमें आप अपना एंट्रीज करते हो, लाइक व्हाट एवर दी रिजल्ट यू हैव गेटिंग फ्रॉम दी डेटा, जो आपने डेटा से कलेक्ट किया हुआ है, अब याद हो जाएगा। चलिए, गुड वन। तो जो डेटा आपने कलेक्ट किया हुआ है, उस पूरे डेटा को आप यहाँ पर फिल करते हो, ए बी सी व्हाट एवर दी डेटा यू हैव कलेक्टेड। तो वो पूरा डेटा जो आप एंटर करते हो यहाँ पर, वो स्प्रेडशीट जिसमें आप डेटा एंटर करते हो, उसे कहा जाता है डेटा व्यूअर। उसे कहा जाता है डेटा व्यूअर, ठीक है? चलिए, सो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, व्यू क्या चीज है जो व्यू हो रही है, उसके बारे में यहाँ पर बात चल रही है। चलिए, नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7। स्केल इन विच द रिस्पोंडेंट डायरेक्टली कंपेयर टू और मोर ऑब्जेक्ट एंड मेक्स चॉइस अमोंग देम। ओके सानिया, नहीं, वो पूरा आपका जो, ये जो आपका स्टेटिस्टिकल पैकेज होता है, इसमें एक पूरा एक व्यू शो होता है कि कैसे आप उसमें डेटा को एंटर करते हो, तो वो वहां पर आपका वो बताया जाता है। तो व्यूअर्स जो वर्ड था, उसी से आप अंदाजा लगा सकते थे कि डेटा व्यूअर्स, दैट मीन्स कि डेटा यहाँ पर आप एंटर कर रहे हो और वो डेटा आप लोगों को शो होता है जब आप उसको काम करने के लिए यूज करते हो। चलिए, कोई नहीं है। यस, बताइए। स्कैन इन विच रिस्पोंडेंट डायरेक्टली कंपेयर टू एंड मोर ऑब्जेक्ट, उस स्केल का नाम आपको बताना है। वो मेजरमेंट स्केल कौन सी है जहां पर दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली कंपेयर किया जाता है? दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली कंपेयर किया जाता है, रैंकिंग, रेटिंग, ग्राफिक या नन ऑफ दीज? चलिए, लेट अस सी व्हाट इज द राइट वन। 7 का ए और बी। द राइट आंसर इज ए गाइस, ए इज द राइट वन। रैंकिंग स्केल,
अब याद कीजिए, जब हम स्केल की बात करते हैं जिसमें हम डेटा को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये रैंकिंग स्केल आपकी जो ऑर्डिनल स्केल होती है उसी के ही टाइप होती है। यहाँ पर आप दो डेटास को कंपेयर करते हो रैंकिंग के बेसिस पर। रैंकिंग के बेसिस पर कैसे, कि आपने यहाँ पर जैसे ये दो पर्सन है, एक की रैंकिंग फर्स्ट है और एक की रैंकिंग सेकेंड है अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज, तो इस बेसिस पर आप इसको कंपेयर कर सकते हो। इसलिए द राइट आंसर इज ए। वेरी नाइस रंजना, विवेकी का आंसर यहाँ पर सही आया है। सो दिस इज द रैंकिंग स्केल। वैसे भी स्केल की अगर हम बात करें तो मेजरमेंट स्केल चार ही होती है ना, चार आपकी मेजरमेंट स्केल होती है, तो उसमें से जो ऑर्डर स्केल होता है उसमें आप रैंकिंग देते हो, वही वाला रेटिंग, वही वाला रैंकिंग का फंडा यहाँ पर यूज किया जा रहा है। यस, सो व्हाट इज द राइट आंसर, दैट इज द ए। चलिए मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which test is a part of parametric test? जल्दी से बताइए। हमने पढ़ा है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और पैरामेट्रिक टेस्ट। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा टेस्ट है जो पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आता है। याद कीजिए पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा होगा, ई टेस्ट, एफ टेस्ट। ओके, तो एट का आंसर आना शुरू हो चुका है। लेट अस सी व्हाट इज द राइट आंसर। द राइट आंसर इज, सही लिखा था सानिया आपने, क्यों मिटा दिया उसे, सही था आपका आंसर, जेट टेस्ट इज द राइट वन, डी इज द राइट वन। जेट टेस्ट जो है वो एक पैरामेट्रिक टेस्ट है। ई टेस्ट, एफ टेस्ट, जेट टेस्ट, ये आपके कौन से हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट है। और वही नॉन पैरामेट्रिक में आपका काई स्क्वायर हो गया, आपका कॉजल वैली यानी कि यू टेस्ट हो गया आपका, ये सभी आपके किसके आंसर्स आएंगे, दे कम्स अंडर द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। यस, सो द राइट आंसर इज डी। चलिए गुड वन, याद रखिएगा सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हिच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब पता है ना, फाइनाइट मतलब जब आप पॉपुलेशन को जानते हैं, जब पॉपुलेशन आपके लिए जानते हैं आपकी कितनी पॉपुलेशन है, तो उसके बेसिस पर कौन सी टेक्निक यूज करेंगे। पॉपुलेशन आपको आप जानते हैं तब कौन सी टेक्निक यूज करोगे, मतलब जानते भी हो और एक लिमिटेड है पॉपुलेशन आपकी, लिमिटेड है, इनफाइनाइट नहीं है, लिमिटेड पॉपुलेशन है, तब कौन सी टेक्निक यूज करेंगे आप। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, पर्पसेस सैम्पलिंग, एरिया सैम्पलिंग या नन ऑफ दीज। कंफ्यूज, ओके चलिए ये कंफ्यूजन दूर रखिए। पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक आज ही सारा पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपनी अपनी अटेंडेंस लगाते जाइए गाइस, अटेंडेंस में कंजूसी बिल्कुल नहीं। तो द राइट आंसर इज ए गाइस। इस केस में आपका ए यूज होगा। सिस्टमैटिक सैंपलिंग, पर्पस सैंपलिंग हम किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए करते हैं यहाँ पर, और आपकी फाइनाइट यानी कि जान पहचान, मतलब आप जानते हैं कि आपकी पॉपुलेशन कौन सी है, तो जब आपको पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है तो आपको भी पता है कि वहां पर जो आप अगर पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है तो पैरामेट्रिक टेस्ट आप यूज करते हैं, है ना। और साथ ही साथ सैम्पलिंग जो रहती है वो कौन सी होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आप यूज करते हो जब आप अपनी पॉपुलेशन को जानते हो। और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो होती है वो किस में आती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ही आती है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जब आपका पॉपुलेशन अगर नोन होती है तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज होती है, और वही यहाँ पर भी है। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशन इन विच टाइप वन एरर अकर्स। व्हाट आर द कंडीशन इन विच टाइप वन एरर अकर, कौन सी कंडीशन है जब टाइप वन एरर आपकी होगी। हाइपोथेसिस की टाइप वन एरर की बात की जा रही है। टाइप वन एरर कब होगी, जब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है जब वो फॉल्स है तब, या नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है जब वो ट्रू है तब, या फिर बोथ द नल हाइपोथेसिस एज वेल एज द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दोनों ही जब है वो रिजेक्टेड हो जाती हैं, तो ये कब होगा ये आपको बताना है। द नल हाइपोथेसिस गेट एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, और ट्रू और फॉल्स, सोचिए जल्दी से आंसर कीजिए। व्हाट आर द कंडीशंस इन विच टाइप वन एरर अकर्स।
ओके वेरी नाइस. सो द राइट आंसर इज बी, बिकॉज एवरीवन नोज दैट कि नई नल हाइपोथेसिस अगर सही है और अगर उसे गलत कर दिया जाए तो टाइप वन एरर होती है, और नल हाइपोथेसिस अगर गलत है तब भी उसे सही कर दिया जाए तो टाइप टू एरर होगी. सो द राइट आंसर इज बी, बी इज द राइट वन. चलिए नाउ द नेक्स्ट वन बताइए. इन ऑर्डर टू परस्यू द रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रायोरली रिक्वायर्ड. हम अगर बात करें रिसर्च की, जब आप रिसर्च को परस्यू कर रहे हैं, रिसर्च के ऊपर आप काम कर रहे हो, रिसर्च को आप कर रहे हो, तो उस समय पर सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या है? डेवलपिंग अ रिसर्च डिजाइन, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, डिसाइडिंग अबाउट द डेटा एनालिसिस प्रोसीजर, या फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च हाइपोथेसिस? बिल्कुल यस, बताइए क्या आएगा. इन ऑर्डर टू परस्यू द रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रायोरिटी रिक्वायर्ड, प्रायोरली रिक्वायर्ड. सबसे पहली चीज आपकी प्रायोरिटीज पर आप किस चीज को लेंगे जब आप अपने रिसर्च को परस्यू कर रहे हैं? सो द राइट आंसर इज बी, वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक. फॉर्मेटिंग अ रिसर्च रिसर्च क्वेश्चन, क्योंकि अगर यही नहीं होगा तो कुछ और नहीं होगा. बिल्कुल, तो रिसर्च क्वेश्चन को हम पहले तैयार करेंगे, हम रिसर्च की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम आगे की तरफ मूव करेंगे. इसलिए फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च प्रॉब्लम इज द राइट वन. चलिए गुड गोइंग गाइस, नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर कंसिडर्ड एज क्रिटिकल इन क्वालिटेटिव रिसर्च. ऐसा कौन सा फीचर्स है जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च में होता ही है ना? क्वालिटेटिव रिसर्च की बात की जा रही है, मतलब आपके गुणात्मक गुणात्मक अनुसंधान में कौन सा फीचर है जो होगा ही होगा, उसके बारे में बताना है आपको. और एक मोटिवेशन स्माइल की अभी कुछ क्वेश्चन सभी के सही निकल रहे हैं उसके लिए. गुड गोइंग गाइस, इसी तरह से क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़कर आंसर करिए, सारे आंसर सही निकलेंगे. बताइए. सो ए, कलेक्टिंग डेटा विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च टूल. रिसर्च टूल, जो निर्धारित रिसर्च टूल है उसके आधार पर डेटा को कलेक्ट करना. डिजाइन सैम्पलिंग विद द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के टेक्निक डिजाइन को यूज करना. कलेक्टिंग डेटा विद द बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस, या फिर गैदरिंग डेटा विद टॉप डाउन स्कीमेटिक एविडेंस. वेरी नाइस, क्या बात है, बिल्कुल ठीक गाइस, बिल्कुल ठीक. सो व्हाट इज द अनदर नेम? सो कलेक्टिंग डेटा विद द बॉटम ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस, बॉटम टू अप. इसका दूसरा नाम हम क्या कहते हैं इसे? इंडक्टिव. बॉटम अप दैट मींस की इंडक्टिव रिसर्च, ठीक है, दैट इज द इंडक्टिव रिसर्च. तो क्वालिटेटिव रिसर्च का जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो आंसर है दैट इज बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस. जो कलेक्टिंग डेटा है वो बॉटम टू अप की तरफ जा रहा है, यानी कि इंडक्टिव मेथड से यहाँ पर यूज हो रही है. गुड गोइंग, वेरी नाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज रैंडम सैम्पलिंग हेल्पफुल. एक रैंडम सैम्पलिंग हेल्पफुल कैसे है? How random sampling helpful? बिल्कुल, observation inductive, empirical inductive research, inductive, बिल्कुल ठीक. Random sampling helpful कैसे है? Reasonably accurate and economical method of data collection, free from personal biases, या all the above? बिल्कुल, सो ये है आप लोगों के लिए एक एप्रिसिएशन स्माइल. चलिए जल्दी से आंसर कीजिए. अच्छा, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है आप सभी का फेवरेट ऑप्शन डी. बिल्कुल सही, यही डी आपका बिल्कुल सही है, आपका सरकारी ऑप्शन. यस, सरकारी ऑप्शन के साथ बिल्कुल जाइए. सो हाउ रैंडम सैम्पलिंग हेल्पफुल, तो इट इज रीजनेबली एक्यूरेट, ये रीजनेबली एक्यूरेट होती है.
इकोनॉमिकल मेथड होती है डेटा कलेक्शंस के लिए और पर्सनल बायसेस से बिल्कुल फ्री होती है। इसीलिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी जब हम चाहते हैं कि एक्सट्रानियस वेरिएबल्स के प्रभाव को कम कर दिया जाए या हटा दिया जाए या पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाए, वी आर यूजिंग द रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। चलिए गुड वन, नाउ फॉर द नेक्स्ट वन, द रिसर्च दैट aims at immediate application is, the research that aims at immediate application is, आपको उस रिसर्च का नाम बताना है जिसमें इमीडिएट एप्लीकेशन होती है, एक्शन, एम्पिरिकल, कॉन्सेप्चुअल या फंडामेंटल, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। Yes, the right answer is A guys. जब word आ गया immediate application यानी कि तुरंत, yes, तो in that case आपकी action research काम करेगी। Next question, question number 5, identify the correct sequence of research steps. Research की step का सही sequence क्या होगा? बिल्कुल ठीक, एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन है आपका, दैट इज द एक्शन रिसर्च, जिसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चलिए बताइए करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, डेटा कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स, या फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, या फिर सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, डेटा कलेक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इंटरप्रिटेशन एंड फाइंडिंग, या फिर सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, लिटरेचर रिव्यू, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग एंड डेटा कलेक्शन, विच वन इज करेक्ट। ओके चलिए लेट अस सी कि जो आप लोग कह रहे हैं वो सही है या नहीं। अरे भाई क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का, क्योंकि अब तो एक आध रिसर्च पेपर बनाना भी शुरू कर ही दिया है। तो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक सबसे पहले हम करेंगे, देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम देखेंगे, डेटा को कलेक्शन करेंगे एंड फिर इंटरप्रिटेशन एंड फाइंडिंग्स हम देखेंगे। चलिए गुड गोइंग गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीकंस्ट्रक्शन इज अ पॉपुलर मेथड ऑफ रिसर्च इन, हम डीकंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो डीकंस्ट्रक्शन एक पॉपुलर मेथड है रिसर्च में, वो किस रिसर्च का पार्ट है, बेसिक साइंस, अप्लाइड साइंस, सोशल साइंस या लिटरेचर। डीकंस्ट्रक्शन बताइए, डीकंस्ट्रक्शन मतलब एक तरह से विखंडन, हम चीजों को तोड़ रहे हैं, तो ये रिसर्च मेथड में ज्यादातर यूज किया जाने वाला टर्म है। तो ये किस में ज्यादातर यूज किया जाता है, चलिए देखते हैं। सो इट इज द पार्ट ऑफ लिटरेचर गाइस, लिटरेचर मतलब एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हमारे सामने मौजूद होता है जिसको हम टुकड़ों में तोड़कर अपने लिए इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, कलेक्ट करते हैं। इसलिए द राइट आंसर इज लिटरेचर। डेमो आपका डीकंस्ट्रक्शन अ पॉपुलर मेथड ऑफ रिसर्च इन लिटरेचर, नहीं ये लिटरेचर का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो ना कि जो भी आपका लिटरेचर है उसको आप सही तरीके से सिस्टमैटिक वे में आप उसे तैयार कर रहे हैं, तो इट इज अ पार्ट ऑफ लिटरेचर। काफी बड़ा डेटा था, उस डेटा को आपने पार्ट्स में डिवाइड करके अपने लिए नया डेटा तैयार किया, यानी कि आपने अपने लिए एक लिटरेचर रिव्यू तैयार किया जिसको आप बेस रख के अपनी स्टडी को करने वाले हो, सो दिस इज कम्स अंडर द लिटरेचर। ओके सानिया, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बात नहीं बट अभी याद रखिएगा। ओके सानिया, नाउ इथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर, जो इथिकल नॉर्म्स है रिसर्च के लिए वो उसके लिए गाइडलाइंस कहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होती है, थीसिस फॉर्मेट, कॉपीराइट,
पेटेंटिंग पॉलिसी या फिर डेटा शेयरिंग पॉलिसी? आई एम एक्सपेक्टिंग 100% रिजल्ट फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो उम्मीद करती हूँ कि सभी का आंसर सही निकले। बताइए एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च, अगर रिसर्च में हम एथिकल नॉर्म्स की बात करते हैं तो कहाँ पर आपको गाइडलाइंस की रिक्वायरमेंट नहीं है? ओके, तो आंसर गुन्नू का आया है सबसे पहले ए। लेट अस सी व्हाट इज द राइट वन। बिल्कुल ठीक, ए इज द राइट आंसर गाइस। थीसिस फॉर्मेट आपका सही आंसर है। थीसिस फॉर्मेट में आपको किसी तरह से किसी रिसर्च लाइक थीसिस फॉर्मेट में आपको जो आपका एथिकल नॉर्म्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बिकॉज इट इज द फॉर्मेट, तो वहां पर आपको कोई गाइडलाइन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, लेकिन थीसिस राइटिंग में जरूर होती है। थीसिस राइटिंग में जरूर कॉपीराइट का फंडा रहेगा, बट थीसिस के फॉर्मेट के लिए किसी तरह का कॉपीराइट का फंडा नहीं रहता है, लाइक ये एथिकल नॉर्म्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। गुड वन। नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट वन। द कोर एलिमेंट ऑफ डेजर्टेशन आर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डेजर्टेशन जो होता है आपका, ये जो आपका डेजर्टेशन होता है, ये डेजर्टेशन भी एक तरह से थीसिस के समान ही होता है, बट हमारे इंडिया में थीसिस पीएचडी के लिए होती है, वहीं डेजर्टेशन जो होता है वो मास्टर के लिए होता है। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट दी फॉरेन कंट्रीज, इन फ्यू फॉरेन कंट्रीज, नॉट फॉर दी ऑल, इन फ्यू फॉरेन कंट्रीज डेजर्टेशन फॉर पीएचडी एंड थीसिस फॉर मास्टर। अभी बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर। इंट्रोडक्शन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, एग्जीक्यूटिव समरी, लिटरेचर रिव्यू, डेटा गैदर, कंक्लूजन एंड बिब्लियोग्राफी, रिसर्च प्लान, रिसर्च डेटा, एनालिसिस एंड रेफरेंसेस, या फिर इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिजल्ट डिस्कशन एंड कंक्लूजन। क्या लगता है जो डेजर्टेशन है उसके प्रस्पेक्टिव से कौन सा सही बैठेगा, ए बी सी और डी? डी, ओके लेट अस सी। तो 18 का आंसर डी, वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक, डी इज द राइट वन, सही आंसर है इसका डी। ये इंट्रोडक्शन सबसे पहले होगा, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू को तैयार करते हैं, फिर आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, फिर हम रिजल्ट आइडेंटिफाई करते हैं, उसके ऊपर डिस्कशंस करते हैं और फिर कंक्लूजन देते हैं। तो दिस इज द राइट सीक्वेंस ऑफ डिसर्टेशन, क्योंकि डिसर्टेशन और थीसिस दोनों का सीक्वेंस ऑलमोस्ट सेम ही होता है। चलिए गुड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ रिसर्च जनरल, आपको बताना है इनमें से क्या चीज है जो कि किसी रिसर्च जर्नल की क्वालिटी को बताती है, रिसर्च जर्नल की क्वालिटी को बताती है, इंपैक्ट फैक्टर, एच इंडेक्स, जी इंडेक्स या फिर आई टैन इंडेक्स। यस, बताइए गाइस। ओके, लेट अस सी व्हाट इज द राइट आंसर। आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसका आंसर भी सभी को पता होगा। द राइट आंसर इज ए गाइस, ए इज द राइट वन, दिस इज द इंपैक्ट फैक्टर। ये है आपका इंपैक्ट फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर और कोई चीज तो मेंशन ही नहीं है, तो जितना ज्यादा इंपैक्ट फैक्टर होगा उतनी ज्यादा आपकी जो जो रिसर्च जर्नल है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। और ये इंपैक्ट फैक्टर पर रेटिंग कहाँ से मिलती है, एक साल के अंदर, वन ईयर के अंदर कितनी बार लोगों ने उस रिसर्च पेपर को देखा है और देख के उसमें से रेफरेंस लिया हुआ है, उसकी विजिबिलिटी के बेसिस पर इम्पैक्ट फैक्टर जो है उस जर्नल का बनता जाता है, उसकी क्वालिटी शो होती जाती है। दैट शो कि रिसर्च पेपर की क्वालिटी कितनी हाई है कि मैक्सिमम पर्सन उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसके चलते इम्पैक्ट फैक्टर आपका क्रिएट होने लगता है। तो दैट इज द इम्पैक्ट फैक्टर। गुड वन। नाउ लास्ट क्वेश्चन। When planning to do as a social research, it is better to, अगर आप planning कर रहे हो social research को करने की, तो क्या करना बेहतर होगा?
अप्रोच द टॉपिक विद द ओपन माइंड, किसी ओपन माइंड के साथ, खुले विचारधारा के साथ अपने किसी भी टॉपिक को चूज कीजिए. डू अ पायलट स्टडी बिफोर गेटिंग स्टक इनटू इट. एक छोटी सी पहले पायलट स्टडी करिए, उसके बाद अपनी स्टडी को करिए. बी फैमिलियर विद द लिटरेचर ऑन द टॉपिक. आप अपने लिटरेचर के लिए काफी हद तक फैमिलियर हैं, या फिर फॉरगेट अबाउट द थ्योरी बिकॉज दिस इज वेरी प्रैक्टिकल, या फिर आप यहाँ पर थ्योरी को ध्यान में नहीं रखते हैं और प्रैक्टिकली किसी काम को करने की कोशिश करते हैं. तो व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर द सोशल रिसर्च देन विच पॉइंट शुड बी नोटेड. ओके ओके, तो कुछ बच्चों का कहना है सी इज द राइट वन, लेट अस सी. बिल्कुल ठीक गाइस, सी इज द राइट वन. जो सही आंसर है वो क्या है इसका, सी. बी फैमिलियर विथ लिटरेचर ऑन द टॉपिक. यहाँ पर आप फैमिलियर हो जाते हैं लिटरेचर ऑफ टॉपिक के साथ में. दिस इज द राइट वन. टॉपिक के साथ में आप क्या हो जाते हैं, फैमिलियर हो जाते हैं. बिल्कुल ठीक. तो सी इज द राइट वन. वेरी नाइस. ओके गाइस, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. आई होप कि सेशन आपको पसंद आया हो. तो इफ यू लाइक दिस सेशन देन जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है. थैंक यू सो मच. और दिस इज ऑल फॉर टुडे. कल फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ में, कुछ नया करने के लिए. तो अपनी अपनी प्रिपरेशंस को आगे बढ़ाते जाइए, अच्छे से तैयारी करिए और टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जिससे कि आपको जितने भी हमारे क्वेश्चन है उन सब की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी. ओके गाइस, चलिए टेक केयर, ध्यान रखिएगा. ऑल द बेस्ट. 15 out of 20. ओके रंजना, नॉट बैड, बट बहुत ही इजी थी क्वेश्चंस थे ये. तो अब की नेक्स्ट टाइम पर इससे भी अच्छा रिजल्ट आना चाहिए. ओके चलिए गाइस, ऑल द बेस्ट.